नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, एक हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी सेक्स लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभार आज की स्पेशली जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, इस लाइफस्टाइल में बहुत लोग हैं जिनको कई तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगी है और इस वजह से कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आने लगती है, मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग इसके बारे में खुल के बात भी नहीं करते हैं, ना डॉक्टर के पास जा पाते हैं और वो सफ़र करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जो तीन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और लो लिबिडो यानी लो सेक्सुअल पावर, इन तीनों प्रॉब्लम्स की दो होम्योपैथिक मेडिसिन से तीनों प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन हम बताएंगे, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, लो लिबिडो हो या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तीन प्रॉब्लम्स है क्या, बिकॉज अंडरस्टैंड समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, हम कारण जानेंगे क्यों होते हैं, उसके बाद हम फिर दवाइयों में आएंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जैसे नाम से ही सजेस्टेड है, इरेक्शन जो है वो हो नहीं पाता है। बिल्कुल, आप जानते हैं एक प्रॉपर सेक्स के लिए एक प्रॉपर इरेक्शन की जरूरत होती बिल्कुल है। पेनिस का प्रॉपर इरेक्शन होना चाहिए, पेनिस प्रॉपरली हार्ड होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब ये किसी भी कारण से, कई कारण है इसके, जिस अगर किसी कारण से ये प्रॉपरली हार्ड नहीं हो पाता है या फिर प्रॉपर टाइम तक वो हार्ड नहीं रह पाता है, तो उसको ही सिंपल लैंग्वेज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, बोला जाता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है ट्रबल कीपिंग इरेक्शन, ट्रबल गेटिंग इरेक्शन, यानी आप इरेक्शन होता नहीं है। दूसरा है ट्रबल कीपिंग इरेक्शन, आप इरेक्शन को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। और थर्ड है लो लिबिडो यानी लो सेक्सुअल एनर्जी, सेक्स करने की एनर्जी जो है वो कम होती है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। दूसरा प्रॉब्लम है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी आपका जो इजैकुलेशन है वो प्रीमैच्योर है, बिफोर टाइम, जितना ड्यूरेशन के लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम ड्यूरेशन में वो होता है। जनरली एक मिनट के अंदर अगर इजैकुलेशन हो जाए तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। तीसरा है लो लिबिडो। लो लिबिडो यानी सेक्स की जो डिजायर है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, यानी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो कम रहती है, आपको सेक्स करने का इच्छा या मन ही नहीं होता। ये तब भी हो सकता है जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, तब भी आपको मन जो है, आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है वो लो रह सकती है, आपको लो लिबिडो रह सकता है। अब हम इनके कारणों पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, सेक्स के लिए आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो माइंड से ही जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम हम अगर देखें तो जो मेल सेक्सुअल हार्मोन है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो अगर कम हो जाता है तो आपको तो ये तीनों ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। अब टेस्टोस्टेरोन क्यों कम होता है, सबसे पहला रीज़न है विथ एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मेल्स में घट जाते हैं। कुछ दवाइयां हैं, सर्टेन मेडिकेशंस, एलोपैथिक दवाइयां, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और भी कई तरह की दवाइयां हैं जो इसको जिनके साइड इफेक्ट के हिसाब से ये कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। डिप्रेशन के दवाइयां हैं, है ना, जो स्पेशली जो माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करती हैं। इसके अलावा डिप्रेशन अपने आप में टेस्टोस्टेरोन को घटाता है। अच्छा, डिप्रेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का भी एक रीज़न है, और साथ ही साथ लो लिबिडो यानी लो सेक्सुअल एनर्जी, लो सेक्सुअल डिज़ायर डिप्रेशन की वजह से होता है। तनाव एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जिस दिन आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, जिस दिन आपके दिमाग में ज़्यादा तनाव है, चिंता है, उस दिन आप सेक्स नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज मूड से इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है। इसीलिए लोग जो है ना वो हनीमून के लिए बाहर जाते हैं, ये एक ट्रेंड है जनरली, बिकॉज उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसा माइंड चाहिए। तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खाली होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए। तो अगर आपको एनजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, तो भी आपका जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है और आपका लो लिबिडो, लो सेक्सुअल एनर्जी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी नींद इम्प्रॉपर है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस है,
अगर नींद अच्छी नहीं रहेगी तो मूड भी अच्छा नहीं रहेगा, मूड अच्छा नहीं रहेगा तो सेक्स करने का बिल्कुल जो है वो डिजायर नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर से रिलेशन अच्छा नहीं है या आपको अपनी बॉडी के ऊपर भरोसा नहीं है, जिसको नेगेटिव बॉडी इमेज बोलते हैं या पुअर बॉडी इमेज, अगर आपको है तो भी आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल। या फिर ये तीनों प्रॉब्लम्स की वजह से आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है या आपको पुअर बॉडी इमेज, इन तीनों की मतलब वाइस वर्सा है दोनों। बिल्कुल। रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बहुत जरूरी है एक हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए। बिल्कुल। दो लोगों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो उसको सेक्सुअल डिजायर नहीं में ट्रांसलेट नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ लोगों को ना कुछ अलग अलग तरह की सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं, तो वो फैंटेसीज जनरली अगर वो पार्टनर पूरा ना कर पाए तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम्स हम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ड्रग एडिक्शन की वजह से भी हो सकती है। ड्रग एडिक्शन में टोबैको एडिक्शन या किसी तरह का और भी जैसे ड्रग्स है ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी जो रेगुलर ड्रग यूज प्लस सब्सटेंस अब्यूज जो भी है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी जाती है। साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन में, क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है। बिल्कुल। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये तीनों प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। अच्छा, अब हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। तो ये जो मेडिसिन होंगी, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लो लिबिडो, ये तीन प्रॉब्लम्स अलग अलग है लेकिन मेडिसिन हम दो ही मेडिसिन बताएंगे और बहुत ही इफेक्टिव। जैसा हमने बताया कि इन तीनों के रीजंस जो है, जो कारण है होने के, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बिकॉज कारण इनके सिमिलर है तो इनके मेडिसिन भी एक ही है। बिल्कुल। तो हमारी पहली जो मेडिसिन है इसमें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन जो कि सुप्रीम रिजल्ट्स है इसके, बहुत ही इफेक्टिव है, उसका नाम है डेमियाग्रा फोर्ट। ये देखिए, ये मेडिसिन है, ये SBL कंपनी की मेडिसिन है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप इसको खरीद के अपनी सेक्स लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके बारे में हम ब्रीफ में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी किन किन चीज़ों से ये दवाई बनी है। इसमें सबसे पहली दवाई है डेमियाना, जिसके नाम पर इसका नाम दिया गया है डेमियाग्रा फोर्ट। डेमियाना दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक वर्ल्ड में जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल लिबिडो को बढ़ाने के लिए, इम्पोटेंसी को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। साथ ही साथ ये सेक्सुअल न्यूरेस्थेनिया यानी सेक्सुअल वीकनेस को ये ठीक कर सकती है। बिल्कुल। तो सेक्स की प्रॉब्लम जहाँ भी आती है वहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है डेमियाना। इसके बाद इसमें एक मेडिसिन है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि स्कैंटी एमिशंस यानी जो इमिशंस होते हैं उसको ठीक करती है। जो एग्नस कैस्टस है उसमें जो एमिशंस होता है वो उसमें फ्लूइड ज्यादा होता है, यानी सीमेन ज्यादा होता है, स्पर्म काउंट इसका कम रहता है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अगर मेंटल इश्यूज की वजह से आपको है तो ये मेडिसिन आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद इसमें है योहिम्बिनम। योहिम्बिनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसको लिबिडो बूस्टर बोला जाता है। ऐसा अगर लो लिबिडो है आपके अंदर, यानी आपको सेक्स की डिजायर या सेक्स की एनर्जी अगर कम है, तो उसको योहिम्बिनम नाम की जो मेडिसिन है वो इंक्रीज करती है, स्पेशली मेल सेक्सुअल डिजायर को ये बढ़ाती है। साथ ही साथ इसमें जिनसेंग है। जिनसेंग एक नॉन एनर्जी बूस्टर है। आप जानते हैं सेक्स का एक्ट परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो इसमें जिनसेंग है जो कि एनर्जी बूस्टर का काम करती है। इसके अलावा इसमें कैलेडियम सेगुइनम नाम की मेडिसिन है। कैलेडियम एक ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में जिसको इम्पोटेंसी के लिए बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। तो इम्पोटेंसी यानी अगर आपका स्पर्म काउंट कम है या स्पर्मेटोरिया जिसको बोला जाता है, स्पर्म काउंट अगर कम है तो कैलेडियम नाम की मेडिसिन आपको बहुत इसमें हेल्प कर सकती है, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है नॉक्चुर्नल एमिशंस की, यानी जिसको हम नाइटफॉल बोलते हैं, यानी रात को जब वो सोते हैं नींद में उनका इजैकुलेशन हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को भी ये मेडिसिन ठीक कर सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों इसमें अश्वगंधा मदर टिंचर भी है जिसको हम विथेनिया सोमनीफेरा बोलते हैं। अश्वगंधा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। ये मेडिसिन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाती है और साथ ही साथ आपके सेक्सुअल डिज़ायर को और सेटिस्फेक्शन को ये इंक्रीज करती है।
अच्छा, एक स्टडी भी हुआ है इसके ऊपर जिसमें ये देखा गया है कि अश्वगंधा जिन लोगों ने लिया है उनका जो एंड्योरेंस है, सेक्सुअल एंड्योरेंस, यानी वो ज़्यादा टाइम टिकते हैं, जो टाइमिंग हम बोलते हैं ना, वो टाइमिंग भी इससे बढ़ती है, सेक्सुअल टाइमिंग, और ये लिबिडो को इंक्रीज करती है, यानी आपके सेक्सुअल एनर्जी को, सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाती है, स्ट्रेस को कमाती है ना, तनाव को, चिंता को कमाती है, तो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो लिबिडो की प्रॉब्लम्स में। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेडिसिन इसमें मिलाई गई हैं, जो भी मेडिसिन इसमें हैं, इंडिविजुअली हर एक मेडिसिन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसी का जो कॉम्बिनेशन है डेमियाग्रा फोर्ट, इसको बहुत टाइम से मैं पेशेंट्स को देते आ रहा हूँ एंड इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिसिन शॉप में मिल जाएगी, 330 रुपये इसकी प्राइस है। और इसको लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिला के आपको खाने से पहले इसको लेनी है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद एक और मेडिसिन है कैलिफोस 6X। कैलिफोस एक ऐसी मेडिसिन है जो माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल, तो आपके जैसे अगर टेंशन है, चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस है, उसको ये रिलैक्स कर सकती है, आपके स्लीप को इम्प्रूव कर सकती है, जिससे आपका सेक्सुअल लाइफ में, सेक्सुअल एनर्जी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज माइंड, जैसे हमने पहले भी बताया है कि माइंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेक्सुअल हेल्थ। 4 टैबलेट कैलिफोस 6X की दिन में 3 बार आपको लेना है, आधा कप गुनगुने पानी में घोलकर खाने के आधा घंटा पहले। यानी आप डेमियाग्रा फोर्ट ले 10-15 बूंदे, उसके 10 मिनट बाद आप कैलिफोस ले। बिल्कुल, ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो है वो आप हमारे यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर हमने यहाँ पे दे रखे हैं। आपको मिनिमम 3 मंथ ये मेडिसिन यूज करनी है, 3 मंथ में अगर आपको फायदा दिखता है तब आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के आप मेडिसिन लीजिए। बिकॉज ये जनरल मेडिसिन है और इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन होती हैं, आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर हमने यहाँ दे रखे हैं। तो दोस्तों, अपने व्यूज हमसे ज़रूर से शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।